गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जारा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज फिर मैं त्रिकोणमिति का थर्ड पार्ट लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट वन और पार्ट टू अपलोड कर दिया है। जिन्होंने पार्ट वन पार्ट टू को नहीं देखा है, प्लीज़ उसे देख लें ताकि पार्ट थर्ड समझने में आपको कोई कठिनाई ना हो। आइए आज पार्ट थर्ड में न्यूमेरिकल के साथ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल करना बहुत ज़रूरी है। न्यूमेरिकल करने से आपका प्रैक्टिस होगा और देखेंगे कि कैसे हमने सॉल्व किया है। तो ये एनसीईआरटी का एग्जांपल 8 में पेज 186 में ये है, एग्जांपल 8। उसे देखिए, सवाल है इफ साइन ए माइनस बी हाफ दिया हुआ है 1/2 और कॉस ए प्लस बी हाफ दिया हुआ है, जो कि एंगल ए प्लस बी का वैल्यू जो है 0 से बड़ा और 90 से छोटा, मैंने 0 और 90 के बीच में ही रखा और ए ग्रेटर देन बी, ये क्लियर कर दिया गया। तो उसमें पूछा जा रहा है कि ए और बी का वैल्यू क्या होगा। ये एग्जांपल का सवाल है, ऑलरेडी बुक में सॉल्व किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन में, साइन ए माइनस बी ये हाफ ये मुझे दिया हुआ है। तो देखेंगे कि साइन ए माइनस बी इजकल टू ये साइन 30, साइन 30 कहाँ से आया, साइन 30 एक्चुअली 1/2 के बदले रखे हैं। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, ये पहले ही बता दिया गया है पार्ट टू में। अगर जो पार्ट टू ना देखे हैं वो फिर से जा करके देख लें। और तो उससे क्या हो गया, यहाँ से अगर हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, साइन ए माइनस बी इजकल टू साइन 30 है तो ए माइनस बी इजकल टू 30 हो जाएगा। इसे देख लीजिए, ए माइनस बी इजकल टू 30। उसी तरह जो हमें दिया गया है कॉस का वैल्यू, यहाँ देख लीजिए कॉस ए प्लस बी इजकल टू 1/2 जो दिया हुआ है, तो कॉस ए प्लस बी हाफ क्या होता है, 60 डिग्री पर होता है। साइन के लिए 30 डिग्री पर हाफ होता है और साइन के लिए देख लीजिए 30 डिग्री पर हाफ होता है और कॉस के लिए 60 डिग्री पर हाफ होता है। तो ए प्लस बी इजकल टू 60 हो गया। तो यहाँ मेरा दो इक्वेशन रेडी हो गया, ए माइनस बी इजकल टू 30 एंड ए प्लस बी इजकल टू 60। अब इस दोनों को सॉल्व करने पर, ए माइनस बी इजकल टू 30 ए प्लस बी, इस दोनों को सॉल्व करने पर क्या होगा, मुझे ए का वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगा। तो इससे फिर वैल्यू अगर रखेंगे इक्वेशन टू में ए का वैल्यू, तो मुझे यहाँ से बी का वैल्यू 15 आ जाएगा। और यहाँ मेरा कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है, जो कंडीशन मुझे दिया गया था ए बड़ा होना चाहिए बी से, तो मेरा यहाँ वैल्यू आ गया है बी का वैल्यू 15 डिग्री और ए का वैल्यू मुझे 45 डिग्री आया है। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। उसी तरह दूसरा सवाल दिया गया है, दूसरा सवाल जो एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर है, जो इवेल्युएट करने के लिए बोल रहा है, जो वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसमें कुछ नहीं, सिंपल सबका वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ, 5 cos² 60 प्लस cos sec² 30 माइनस 10² 45। तो और एक चीज़ और है यहाँ पर, जैसे साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, यहाँ भी वैल्यू हम रख सकते थे, लेकिन यहाँ एक फार्मूला हम बताए हुए थे, यहाँ से फिर से रिमाइंड कर लीजिए, रिकॉल कीजिए उसे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजकल टू 1, मैंने ये दोनों एंगल समान हुआ और स्क्वायर में है तो इसका वैल्यू ऑलरेडी 1 आ जाता है। तो आप वैल्यू भी रखते तब भी 1 आता है, ये डायरेक्ट हम रख लिए। यहाँ देख लीजिए एक स्थान पे 30 डिग्री दिया हुआ है, तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 ये दोनों मिला करके 1 हो गया। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से जो टेबल आपको दिया गया है पार्ट सेकेंड वाला वीडियो में, वहाँ देख लीजिए कॉस 60 का वैल्यू हाफ आता है, उसके बाद सेक 30 मतलब कॉस 30 का उल्टा, यानी कॉस 30 होता है √3/2, तो ये सेक क्या क्या आ जाएगा, 2/√3 माइनस 1।
और यहाँ पर वैल्यू रखने पर मुझे क्या हुआ, कैलकुलेट सॉल्व करने के बाद सिक्सटी सेवन बाय ट्वेल्व आ गया। तो यहाँ पर एक चीज़ है जो पहले ही बता दिए हैं, जैसे साइन ये कॉस स्क्वायर 60 का मतलब हम लोग ये समझेंगे कि कॉस 60 का वैल्यू जो आएगा उसका होल स्क्वायर, ये समझेंगे इस चीज़ को। अच्छा, दूसरा और चीज़, एक चीज़ समझने की बात है, जो हम लोग डिग्री लिखते हैं 60 डिग्री, तो ये छोटा जीरो लिखेंगे, पॉइंट नहीं देंगे, जैसे 66 ये डिग्री जीरो लिखेंगे, यहाँ छोटा जीरो ये डिग्री लिखने का तरीका है, ना कि ये अगर लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये लिखने का तरीका है 60 पर ये डिग्री लिखने के लिए छोटा जीरो करते हैं और ये पॉइंट देंगे तो ये गलत हो जाएगा, इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिएगा। फिर अब आज न्यूमेरिकल का पोर्शन ख़त्म हुआ, अब जो है हम लोग फिर से थ्योरी में प्रवेश कर रहे हैं। पार्ट टू में जो वीडियो अपलोड हुआ था उसमें ये टेबुलर फॉर्म दिया गया था, इसे याद करने के लिए बोला गया था, आई होप आप लोगों ने सब याद कर लिया होगा। तो ये देख लीजिए, ये टेबुलर फॉर्म है, इसे आप लोगों को याद करना था। और जिन्होंने याद नहीं किया है या जिसे कठिनाई हो रही है याद करने के में, उसके लिए मैंने एक ट्रिक दिया है, उस ट्रिक को आप लोग ध्यान से समझ लें। ट्रिक ये है कि जैसे मान लीजिए आपको सबसे पहले तो बोला गया था कि साइन का वैल्यू याद कर लेना है, अगर साइन का भी वैल्यू याद नहीं हो रहा है तो पहले ट्रिक से देख ले, उसके बाद आपको याद हो जाएगा। जैसे देखिए, ये तो सीक्वेंस में आपको याद करना था कि साइन जीरो, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90। तो इसको क्या करेंगे हम, सीरियल स्टेप वन में देखिए ट्रिक का स्टेप वन क्या है, इसको सीरियल नंबर में लिख लेंगे। सीरियल नंबर मीन्स जीरो से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 ऐसा करके 4 तक आएंगे। सीरियल नंबर में 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4, साइन जीरो के लिए 0, साइन 30 का सीरियल नंबर 1, 45 के लिए 2, 60 के लिए 3 और 90 के लिए 4। अब स्टेप टू में क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, जितना सीरियल नंबर था सबको डिवाइडेड बाय 4, सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं, सॉरी। अब जो है नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 3, इसको क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, जो डिवाइड करके आया इसको हम लोग स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट देख लीजिए, 0 का स्क्वायर रूट 0, उसके बाद 1/4 का स्क्वायर रूट, 1/2 का स्क्वायर रूट, रूट 3/4 का स्क्वायर रूट और ये 1 का स्क्वायर रूट। इसको रिजल्ट मेरा क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट निकालने पर, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का 1/2 और इधर आ गया 1/2 का स्क्वायर रूट, 1/√2, √3/2 एंड 1। बस इस ढंग से आपको साइन का, अगर किसी को याद नहीं होता तो ट्रिक देख करके समझ लें और फिर उसे याद कर जाए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, त्रिकोणमिति में जो रेशियो है आपको, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, उसका कम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होगा वैल्यू। एक्चुअली कम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री दो एंगल होता है, ऐसे एंगल होते हैं, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते किसे, सबसे पहले ये समझते हैं। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल जो दो एंगल, ये आपको पेयर में होगा, ऐसे दो एंगल जिसका सम जो है 90 के बराबर होगा उसे कम्प्लीमेंट्री कहते हैं, और सप्लीमेंट्री एंगल जो दो एंगल का सम 180 होगा उसे सप्लीमेंट्री कहते हैं। यहाँ देख लीजिए डेफिनेशन लिखा हुआ है, कम्प्लीमेंट्री एंगल, टू एंगल्स आर सेड टू बी कम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इक्वल टू 90 डिग्री। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए 90 डिग्री सम होना चाहिए, और यहाँ फिगर देख लीजिए, जैसे ये तो 90 होगा, तो इसमें अल्फा और बीटा ये दोनों मिल करके 90 हुआ, तो अल्फा और बीटा जो है, और यहाँ पर क्या है ट्रायंगल में देख लीजिए, ट्रायंगल में एंगल ए और एंगल सी ये क्या होगा आपको 90 डिग्री, क्योंकि वन एंगल ऑलरेडी 90 दिया हुआ है और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, इसीलिए एंगल ए और एंगल सी का सम क्या हो जाएगा 90 डिग्री, इसीलिए एंगल ए और एंगल सी यहाँ क्या कहलाएगा कम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। यहाँ पर ये अल्फा, एंगल अल्फा एंड अल्फा, सॉरी एंगल अल्फा एंड एंगल बीटा,
आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। उसी तरह सप्लीमेंट्री का डेफिनेशन देख लीजिए, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि सप्लीमेंट्री 90 के लिए है या 180 के लिए। मतलब याद तो कर गए कि सप्लीमेंट्री 180 के लिए था और कम्प्लीमेंट्री 90 के लिए, लेकिन कन्फ्यूज कर जाते हैं। कभी सप्लीमेंट्री 180 के लिए कर सप्लीमेंट्री 90 के कर लिए कर देते हैं और कम्प्लीमेंट्री 180 के लिए कर देते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है, ट्रिक याद करने के लिए कि सप्लीमेंट्री में क्या होगा और कम्प्लीमेंट्री, जैसे सब कम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 के लिए और सप्लीमेंट्री 180 के लिए। क्यों? कि देखिए अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में क्या होता है, सी पहले आता है और बाद में एस आता है। तो ये सी पहले आएगा और बाद में एस आता है। और अगर अंक गणित में देखेंगे तो 90 पहले आता है और 180 बाद में आता है। तो उसके लिए आप लोग ऐसे ही समझ लेंगे कि पहले के लिए पहले और दूसरे के लिए दूसरे या बाद वाले के लिए। तो अल्फाबेट में सी पहले आता है बाद में एस आता है। उसी तरह अगर मैथ में चले या काउंटिंग में जाएं तो 90 पहले आता है और 180 बाद में आता है। इसलिए कम्प्लीमेंट्री के लिए 90 याद रखेंगे और सप्लीमेंट्री के लिए 180 याद रखेंगे। अब देखते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स त्रिकोणमिति में कैसे इसको अध्ययन करते हैं हम लोग। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल तक ही 10th स्टैंडर्ड में पढ़ना है, 10th स्टैंडर्ड में कम्प्लीमेंट्री एंगल तक ही पढ़ना है। सप्लीमेंट्री एंगल और जो भी है एंगल उसके बारे में SSC वगैरह या रेलवे या जो भी एग्जाम है उस सब के लिए अध्ययन करना जरूरी है, बट 10th स्टैंडर्ड के लिए कम्प्लीमेंट्री तक ही पढ़ना है। इससे आगे पढ़ ले तो बेहतर है, नहीं टाइम है तो छोड़ सकते हैं आप लोग 10th स्टैंडर्ड के बच्चे। किंतु जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं SSC रेलवे वगैरह का, उसके लिए आप लोग को ये जरूरी है। आगे आप लोग इसे भी ध्यान से देख लें। तो इसमें एक चीज़ है, जैसे 90 अगर है तो यहाँ पर साइन 90 माइनस ये करेंगे तो यहाँ कॉस होगा। 90 और 270 इसके लिए इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे साइन है तो यहाँ कॉस हो जाएगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज हो जाएंगे। साइन के लिए कॉस, टेन के लिए कॉट और सेक के लिए कॉसेक। 90 यहाँ 90 रहेगा तब और 270 रहेगा तब। ये चीज़ ध्यान रखिए, दो एंगल 90 एंड 270 यहाँ देख लीजिए 270। अगर साइन 270 माइनस ये है तो कॉस आएगा। ये प्लस माइनस आपको समझाएंगे अभी, पहले आप लोग ये देख लीजिए किस एंगल पर कौन सा चेंज होता है। और रेस्ट जितना एंगल होगा, जैसे सप्लीमेंट्री एंगल तो साइन का साइन ही होगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज नहीं होगा। साइन के लिए बताएंगे कौन कौन सा किस में चेंज होगा। तो साइन के लिए साइन, कॉस के लिए कॉस, टेन के लिए टेन, कॉसेक के लिए कॉसेक, सेक के लिए सेक और कॉट के लिए कॉट। तो बस एक चीज, दो चीज आपको ध्यान रखना है कि 90 और 270 के लिए जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है चेंज हो जाता है, साइन के लिए कॉस, टेन के लिए कॉट और सेक के लिए कॉसेक, ये याद रखेंगे। अब प्लस माइनस कैसे आता है ये आप लोग अभी मैं बता रहा हूं। तो प्लस माइनस के लिए ये आपको जो है क्वाड्रेंट आपको समझना पड़ेगा। जो दो ये लाइन खींचिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये फर्स्ट जो 90 डिग्री वाला कॉलम होगा, यहां से यहां 90 होता है, इस पोर्शन से इस पोर्शन ये 90 हुआ, टोटल 360 होता है। तो ये चार क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और सब क्वाड्रेंट 90 का होता है। यहाँ से 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। तो यहाँ है, इसमें ऑल पॉजिटिव होगा, इसमें साइन पॉजिटिव होगा, इसमें
टेन पॉजिटिव होगा और टेन का उल्टा, यहाँ कॉस पॉजिटिव होगा और कॉस का उल्टा सेक, यहाँ ऑल पॉजिटिव होगा जिसमें साइन टेन कॉस सब पॉजिटिव आ जाएगा, इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा और साइन का उल्टा पॉजिटिव होगा यानी कॉस सेक, इसमें टेन पॉजिटिव होगा और टेन का उल्टा कॉट पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ कॉसेक पॉजिटिव होगा सेक पॉजिटिव होगा और कॉस पॉजिटिव होगा। तो इस क्वाड्रेंट में कैसे याद करेंगे कौन सा कौन पॉजिटिव होगा, तो इसके लिए एक ट्रिक है ऑल स्टूडेंट टेक केयर, ऑल स्टूडेंट टेक केयर, तो ऑल तो ऑल होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, स्टूडेंट से साइन एस एस और टेक से टेन, केयर से कॉस, तो ए एस टी सी ऑल साइन टेन कॉस, ऑल साइन टेन कॉस, इसे ध्यान रखिए ऑल साइन टेन कॉस, ऑल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव टेन पॉजिटिव एंड कॉस पॉजिटिव। तो आप देखिए कैसे कैसे क्या क्या आता है, जैसे ये देख लीजिए साइन 90 माइनस ए, तो 90 माइनस ए मतलब 90 डिग्री से कम, अच्छा ए जो है आपको जीरो से बड़ा और 90 से छोटा लेना है, ए जीरो से बड़ा एंड 90 से छोटा लेना है, तो ये क्या होगा जीरो और 90 के बीच में मैंने फर्स्ट क्वार्टर, तो पहले ध्यान दीजिए पहले 90 है तो इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चेंज कर दिए, मतलब साइन से कॉस कर लिए और यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा, नहीं लिखे हैं मतलब पॉजिटिव है, उसी तरह टेन 90 है तो रेशियो चेंज हो जाएगा, टेन का कॉट हो गया, यहाँ साइन पॉजिटिव चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसी तरह ये देखिए किस क्वाड्रेंट में बताइए, ये आपको ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि 90 माइनस ए है, तो लेकिन 90 है तो यहाँ सेक का कॉसेक हो जाएगा लेकिन साइन पॉजिटिव रहेगा, उसी तरह यहाँ देखिए कॉस का 90 है तो चेंज हो जाएगा साइन ए, उसी तरह कॉट का देखिए टेन ए, ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होगा। अब चलिए सप्लीमेंट्री एंगल में, सप्लीमेंट्री एंगल में क्या है 180 माइनस ए है, तो हम बताए थे कि आपको 90 और 270 में ही चेंज करना है, बाद बाकी किसी में चेंज नहीं करना, तो साइन एक 180 माइनस ए के लिए साइन ए ही लेंगे और कॉस के लिए कॉस, टेन के लिए टेन, कॉसेक के लिए कॉसेक, सेक के लिए सेक, सब सेम रहेगा, लेकिन साइन में क्या होगा ये देखिए 180 माइनस ए मतलब ये 180 से कम और 90 से ज़्यादा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है एस पॉजिटिव होता है इसीलिए ये पॉजिटिव हुआ और बाद बाकी सब निगेटिव, एस का उल्टा कॉसेक है तो कॉसेक पॉजिटिव होगा बाद बाकी सब निगेटिव। उसी तरह देख लीजिए इसमें देखिए यहाँ 90 है तो क्या होगा, पहले तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज हुआ साइन से कॉस चला गया लेकिन साइन भी देखेंगे ये 90 प्लस ये है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होगा साइन है क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है और बाद में के सब निगेटिव तो बाद में के सब निगेटिव हो गया। उसी तरह देखिए टेन कॉस के लिए साइन होगा टेन के लिए कॉट होगा साइन निगेटिव होता चला जाएगा और ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 270 के लिए फिर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज कर जाएगा क्योंकि 90 और 270 पर चेंज होता है, बार बार मैं बोल रहा हूँ 90 और 270 ये दो डिग्री याद रखिए उसी पर आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज होता है और साइन जो है क्वाड्रेंट पर डिसाइड करेंगे कि किस क्वाड्रेंट में तब साइन डिसाइड होगा। जैसे साइन का क्या हुआ कॉस हुआ क्योंकि 270 है साइन क्या हो जाएगा चिन्ह क्या हो जाएगा तो चूंकि ये आपको थर्ड क्वाड्रेंट में तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा माइनस आएगा, कॉस में कॉस के लिए 270 है तो साइन होगा क्या होगा माइनस टेन, देखिए पॉजिटिव होगा क्योंकि थर्ड क्वार्टर में टेन पॉजिटिव होता है और टेन का उल्टा कॉट ये पॉजिटिव होगा बाद बाकी सब निगेटिव हो जाएगा। उसी तरह एक चीज ये देख लीजिए साइन माइनस मतलब ये चला गया फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस ए का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्चुअली जो आपको ये जो क्वाड्रेंट है क्वाड्रेंट को एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो ये प्लस लिखते हैं और क्लॉकवाइज करेंगे तो ये माइनस, तो यहाँ से यहाँ प्लस हुआ तो इधर अगर कंसीडर करेंगे तो यहाँ से यहाँ एंटी क्लॉक इधर निगेटिव आएगा तो इसीलिए इधर माइनस ए लिखते हैं, इधर प्लस ए इधर माइनस ए, तो ये माइनस ए सिंपली माइनस ए का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा केवल कॉस पॉजिटिव होता है बात बनी सब निगेटिव। तो यहाँ एक समरी दे दिया गया कि कौन सा किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, जैसे सिंपल ए लिखेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट,
90 माइनस ए लिखेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के 90 प्लस ए या 180 माइनस ए, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस ए 270 माइनस ए, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन आएगा 270 प्लस ए और 360 डिग्री माइनस ए या डायरेक्ट माइनस ए करने से आएगा। अब आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग रेस्ट जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, रिमेनिंग जो भी क्वाड्रेंट बचा हुआ उस क्वाड्रेंट के लिए आप लोग कैलकुलेट कीजिए और एनसीईआरटी का 8.3 चैप्टर बनाइए जो पेज 180 पेज में है, 189 पेज में है, इसको सॉल्व कीजिए, सभी सॉल्व हो जाएंगे जितना भी चैप्टर है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, केवल न्यूमेरिकल होगा एक्सरसाइज का एनसीईआरटी बुक से, तो आप लोग काइंडली रिवाइज करके आइए, हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।